नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के साथ चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में चोरी कर एक लैपटॉप और अन्य सामग्री चुराई थी। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले दिनों राजेंद्र नगर पुलिस को फरियादी कृष्णा सोनी द्वारा शिकायत की गई थी कि श्री कृष्ण कार्गो स्थित ट्रांसपोर्ट गोडाउन से शटर तोड़कर कुछ बदमाश लैपटॉप और गोडाउन में ट्रांसपोर्ट के लिए रखा सामान चुरा कर ले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सतीश पटेल के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी सुरेश सिंह राठौर निवासी महादेव नगर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक लैपटॉप जब्त हुआ है। आरोपी ने चोरी का सामान कबाड़ी जितेंद्र पटेल को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे चोरी का माल जब्त कर लिया है। फिलहाल बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं क्षेत्र में हुई अन्य चोरी के माल और चोरी की वारदात में जल्द खुलासा हो सकता है। शिव सिटी स्क्वायर के पीछे शिव ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी हैं, उनके गोडाउन से एक शटर उचकाकर चोरी हुई थी, नकबजनी की घटना हुई थी। उसमें उसका लैपटॉप और जो नट बोल्ट आदि जो ऑटोमोबाइल का सामान था कुछ, वो चोरी हुआ था। करीब 1 लाख का मशरूबा था। तो इस पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर टीमें गठित की गई थाना राजेंद्र नगर से, और सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपकरणों का हमने सहारा लेकर, और इसमें सफलता मिली पुलिस को, और इसमें पूरा के पूरा मशरू का पुलिस ने जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? ये आरोपी ड्राइवरी का काम करता है, और उधर टेम्परेरी ड्राइवरी का काम करता है, और उसके बाद में इसके पूर्व भी इसके अपराध पंजीबद्ध हैं, और इसके साथ में हमने कबाड़ी को भी इसमें आरोपी बनाया, जिसने जो लोहे का सामान था वो कबाड़ी को बेचा था। जितेंद्र रामेश्वर पटेल, उसको भी इसमें बनाया गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और